नमस्कार, मैं पूनम अंकुर छाबड़ा शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अपनी काफ़ी सारी मांगों के साथ में आज भूख हड़ताल पर शहीद स्मारक पर बैठी हुई हूँ। मेरी मांग है राजस्थान में शराबबंदी लागू हो, सशक्त लोकायुक्त लागू हो, इसके लिए कमेटी बनाई जो कि सुचारू रूप से हमारे सुझावों को लेकर कार्य करे, शहीद छाबड़ा जी को शहीद का दर्जा मिले, उनके बलिदान दिवस पर फ्राइडे घोषित हो। साथ ही मैं ये सरकार से कहना चाहूँगी कि मेरे और छाबड़ा साहब के साथ में जो सरकार ने समझौते किए हैं उनको सुचारू रूप से लागू करें। और साथ ही साथ मेरी ये मांग भी है कि ईद, रमजान, नवरात्र जैसे पवित्र दिनों के अंदर हमारे गुरु नानक जी की जयंती के ऊपर, हमारे बी आर अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर भी फ्राइडे घोषित होना चाहिए और हमारे जो अरोड़ वंश समाज के अरोड़ जी महाराज है उस पर भी फ्राइडे घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र दिन है जहाँ पे लोग अपने आराध्य को पूजते हैं या उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि ऐसे कानूनों का निर्धारण किया जाए जिसमें 25 वर्ष की एक न्यूनतम आयु हो किसी भी व्यक्ति को शराब पीने के लिए। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति उसको पीता है तो उसके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी मांग करती हूँ कि जितने भी ठेके कॉलोनियों में हैं उनको वहाँ से निकाल कर मॉल में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि जो आम जनता है उनको परेशानी का सबब नहीं देखना पड़े, उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आबकारी नीति को भी सुचारू रूप से लागू किया जाए, मद्य संयम नीति को प्रॉपर तरीके से वो लोग लागू करें, उसमें प्रॉपर कार्य किया जाए। ऐसी मैं मांगों के साथ में आज मैं भूख हड़ताल पर हमरा टेंशन कर रही हूँ और शहीद।